क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो मुझे बॉलीवुड की थोड़ी सी बात करनी है आपके साथ आ, और ये मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा इसलिए आ, हर पॉडकास्ट एपिसोड से पहले मैं रिसर्च करता हूँ इंटरव्यूज देखता हूँ लोगों के आ, पर मैं न्यू आंसर्स ढूंढता हूँ उनके पर्सनालिटी का आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो और जितने भी लोगों से भी मैंने पूछा कि इनसे मैं क्या पूछूँ हर किसी का कि थोड़े से फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछो ओके बालाजी श्रीनिवासन आए थे शो पर अच्छा। जो ट्विटर के एक बहुत बड़े जियो पोलिटिकल पॉडकास्ट किए बट इस रूम के बाहर उन्होंने फिल्म्स के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात hmm. है। और मेरी एक थियरी है आप ब्लैक देख देखते hmm? uh, ब्लैक मिरर में वो सलमा हायक वाला एपिसोड है ना जहा बेसिकली ए आई जेनरेटेड फिल्म Uh, निकल के आ रहा uh, उस एपिसोड में yeah, yeah. तो इफेक्टिवली ओके पैरली ये ये था पाक कर दो तो, एक और थॉट है uh, मेरे कंटेंट मेंटर है जाकिर खान एंड ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन द कंट्री तो मैंने उनसे पूछा कि राइटर स्टैंड अप कॉमेडियन हां जी आई आस्क्ड आस्टम वॉट द कोर स्किल रिक्वायर्ड इन राइटिंग उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट्री होती है पोएट्री होती है बट इट्स एक्चुअली घिसाई कि क्या आप एक जगह बैठकर लंबे डायलॉग ओरिएंटेड सीन्स लिख सकते हो या नहीं कैन यू एक्चुअली राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द सीन पर अगर किसी ने उसी एफर्ट को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ चैट जीपीटी में डाला विच इज केपल ऑफ जनरेटिंग वीडियो जैसे सोरोस अभी निकल के आ रहा डू यू थिंक दैट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय अ फिल्म जनरेटिंग ऐप एंड इफ यस फिर इज एक्टिंग गोइंग टू बी एन इेलिवेंट प्रोफेशन इन द फ्यूचर इट डिपेंड्स हाउ फार इन द फ्यूचर यू वॉन्ट टू गो तो लेट्स ट्राई टू देखते हैं समझते हैं मुझे लगता है यार इसमें दो बातें राइट इट्स वेरी ईजी अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर नहीं समझते हो ना तो इट्स वेरी ईजी टू एक्सट्रेपुलेट क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में इसको एक्सट्रेपुलेट कर दिया अगर ये आज हो सकता है तो बीस साल में ये हो सकता है देर फोर नोबडी विल वॉच मूवीज राइट वेरी लॉजिकल वेरी वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग वेरी सिल्कन वाली वे ऑफ थिंकिंग और इसी बेसिस पे सारी प्रोडिक्शंस होती है बट आई थिंक सच एब्सोलूट प्रोडिक्शंस आर नॉन सेंसिकल क्योंकि रियालिटी में कभी नहीं होता रियालिटी में आपको ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी समझ में समझने की ज़रूरत होती है तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि फिल्म मेकिंग इट्सल्फ विल गो थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इट ऑलरेडी आप अगर मार्वल की पिक्चर्स देखें तो उसमें कितना रियल लाइव एक्शन है वर्सेस हाउ मच इज जस्ट ग्रीन स्क्रीन एंड एनिमेशन, वो काफी शिफ्ट हो गया है रेशियो राइट right? तो एंटायरली कंसीवेबल कि दस साल में द एक्टर्स इन द फिल्म आर ओनली डबिंग जी और वो भी क्यों जरूरत पड़ेगी वो ए वो आवाज भी निकाल सकता है सो दे आर जस्ट लाइक यू सेड इन ब्लैक मेरा सलमा हायक हैज साइंड लाइकनेस बाकी आप बनाते रहिए जी वेरी कंसीवेबल बेसिकली थियरी ये है कि दस बीस साल बाद जब ये टेक्नोलॉजी फुल्ली पब्लिश होगी तब आप एक ऐप में डालोगे शो मी अ हॉरर फिल्म विद शाहरुख खान एज द घोस्ट एंड अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड जया बच्चन और जया बहादुरी प्लेइंग द मेन प्रोटेगनिस्ट और फिर 2034 में आप वो एक हॉरर फिल्म देख लोगे एंड देन यू कैन मेक इट अ कॉमेडी फिल्म अपराउ कमिंग बैक टू तो ये सब ठीक है लेकिन नाउ लेट्स कम टू द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट व्हाई डू पीपल वॉच मूवीज बोर्डम फैमिली बॉन्डिंग बट व्हाई मूवीज बोर्डम तो और भी कुछ कर सकते स्टोरी टेलिंग की एक नीड होती है इंसान को स्टोरीज हमेशा ग्रिपिंग होती है एंड वो रोटी कपड़ा मकान और कहानियां बट कहानी तो कोई घर पे बैठ के सुना सकता है आपको पर विजुअली देखने का मजा अलग हो क्यों कि कुछ लोग विजुअल मेमोरी ओरिएंटेड होते हैं देखिए आई थिंक पीपल वॉच मूवीज बिकॉज ऑफ एन एस्केप आपके सारे इज नॉट ऑल बट मेनी ऑफ योर सेंसेस आर अब्जॉर्ब्ड हियरिंग साइट यू नो व्हेन यू टेक टू थ्री सेंसेस तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है आपको पूरी तरह से तो यू कैन स्केप आप भूल जाते हो बिकम्स एंटरटेनिंग सारे स्ट्रेस सारे टेंशन सब कुछ खत्म राइट वन रीजन अदर रीज़न इज यू वर्शिप द पीपल यू यूर वॉचिंग हीरो वर्शिप हो गई हीरोइन वर्शिप जो भी हो गया यू लव दैट कैरेक्टर यू लव दो एंड द थर्ड रीज़न एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एज फार एज दिस कॉन्वर्सेशन गोज इज इट इज वो ऐसी चीज़ है आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि ये एक अनयूजल uh, चीज़ है राइट इफ इट इज अगर किसने कह दिया हर पिक्चर जैसी आप शायद नहीं देखने जाओगे बट इट्स एन इवेंट जो आप हमेशा शायद नहीं देख पाओगे किसने बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छे से बनाया है सो इट इज़ एन इवेंट राइट लेट्स थिंक ऑफ इट इज़ एन इवेंट राइट इसको हम टाई अप करते हैं इवन विध वॉट इज़ हैपनिंग विद लाइव म्यूजिक सडनली लाइव शोज आर अर्निंग मोर मनी फॉर आर्टिस्ट देन रिकॉर्डेड म्यूजिक तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए क्या हुआ है राइट वाइल रिकॉर्डेड म्यूजिक इज ऑन योर फोन आप कहीं भी सुन सकते हो बाय सिंगल यू डोंट हैव टू बाय द एल्बम लाइव शोज पावरफुल। बिकॉज पीपल विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू लार्जर देन लाइफ इवेंट्स एंड पीपल फॉर द सेक ऑफ एस्केपिज्म फॉर द सेक ऑफ एस्केपिज्म फॉर द सेक ऑफ द सेक ऑफ द डिजायर टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन यूर सेल्फ विच आई विच वी स्पोक अब आउट अर्लियर कि आप हमेशा बढ़ना चाहते हो यू वॉन्ट मोर एंड मोर यू वॉन्ट टू बिकम विथ द यूनिवर्स फॉर द सेक ऑफ होमो जो भी हो राइट लेकिन ये नीड कभी नहीं जाएगी तो जब आप बोल सकते हो जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया शोमिया फिल्म ऑफ शाहरुख खान एज अ गोस्ट एन जया बच्चन एजैगनस तो जब सब कोई कर पाएंगे ये चीज कुछ भी करके तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा hmm. आज जैसे पुरानी फिल्म आप बना लो जो 20 साल पहले भी बनती थी उस टाइप की फोटोग्राफी और पीपल उसे क्या बना दिया आप? Hmm. जी तो वेन एवरीबडी कैन डू इट देन द बार फॉर इवेंट लोग पिक्चर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको कोई मूविंग इमेजेस देखने हैं वो चेंज दैट इज नॉट वाई दे वॉचिंग इफ दैट वॉज द रीजन देन यूर राइट मूवी इंडस्ट्री खत्म बिकॉज एनी बडी विल बी एबल टू मेक मूवी मूविंग इमेजेस ऑफ एनी काइंड ओनली योर इमेजिनेशन कैन लिमिट यू बट दैट इज नॉट द रीजन पीपलिंग तो जब ये हो जाएगा तब मूवी इंडस्ट्री री इन्वेंट होगी जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री री इन्वेंट हुई ह्यूमन बींग्स बॉस इतने स्मार्ट हैं टू